वार्ड नंबर 12 है और यहाँ पर ऊसरी गेट पे एक पीछे जो पतली गली आती है उसके अंदर ये सक्सेना, हरी सक्सेना जी जो यहाँ पे रहते हैं, इनका एक मकान है जो कि पूर्व में मैं नगर निगम में लिख के दे चुकी हूँ कि जर्जर मकान है, इसको गिरा जाए। लेकिन जो मकान मालिक और जो इनके 5 लोगों भाइयों का कोई आपस का मामला है, उस चीज़ का नुकसान खामियाजा इनको भुगतना पड़ गया कि अचानक ऊपर से पट्टियाँ धड़धड़ गिरी और ईश्वर का ये मेहरबानी ऊपर वाले की थी कि ये 4 जने 1 सेकंड पहले बाहर निकल के आए थे और पूरी पट्टी की सारी नीचे आ गई, मकान अंदर से जो भी है पूरा नीचे आ गया। इनका पूरा गृहस्थी का सामान था क्योंकि ये पूरी फैमिली रह रही थी, इनका बेटा बेटी और इनकी वाइफ, और ये 4 जने निकल के आए और अंदर उसके बाद सारी पट्टियाँ नीचे आ गई हैं। यहाँ जो देखा जाए कि जर्जर अवस्था में सारे 2 मकान हैं, इनका कोई भी किसी प्रकार का ये लोग देखभाल नहीं करते हैं क्योंकि जो आपसी इनकी लड़ाइयाँ हैं उसका खामियाजा पड़ोसियों को भुगतना पड़ता है और नगर निगम को भुगतना पड़ता है। कल कुछ भी हादसा होता तो इसका जिम्मेदार कौन होता है ये तो अपने हाथ उठा लेते हैं, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी का भी नुकसान काफ़ी है। बारिश तो कुछ क्या करेगी, बारिश तो सबको पता है होती है, लेकिन जो व्यक्ति रह रहे हैं उनको चाहिए कि मरम्मत करानी चाहिए। तो इनकी आपसी लड़ाई के चक्कर में, ये एक दूसरे के चक्कर में रहते हैं और मरम्मत नहीं कराई है, तो सक्सेना फैमिली आज जो 4 लोग बच गए हैं इनकी आपसी लड़ाई के चक्कर, इसमें ना तो मरम्मत हुई, ना इसको सेल करते हैं, ना इसको तोड़वाया, तो आज कुदरती गिर चुका है, जनहानि से बच गए। दीदी अब मैंने जो इसमें तो इनका सामान लाखों रुपए का है क्योंकि ये कह रहे हैं कि मेरा पैसा वैसा सब गृहस्थी का टोटल सामान, क्योंकि आज बरसों हो गए इनको रहते हुए, 50-60 साल हो रहे हैं, उससे ज़्यादा ही हो गए होंगे, तो पूरा सामान इनका अंदर था, कुछ भी इन्होंने एक पाई की भी चीज़ बाहर नहीं निकाली है, सब अंदर दब गए। बेघर हो गए मैडम ये घर से अपने? बेघर ही हैं, रात को तो ऐसे ही घूमेंगे क्योंकि अड़ोस पड़ोस में जो मकान है वो भी घर से बाहर आ गए क्योंकि एक ही दीवार इन लोगों की लगी हुई है आपस में, और वो हो सकता है ये मकान रात में कभी अगर उधर गिर गया तो हो सकता है अड़ोस पड़ोस को भी नुकसान काफ़ी हो सकता है। तो मैंने नगर निगम में अभी हमारी CO मैम है उनको भी खबर कर दी है, तो उन्होंने कहा तुरंत प्रभाव से कल मैं दिखवाती हूँ, इसकी कार्रवाई करवाती हूँ।